क्या एक दफा फिर योगी आदित्यनाथ के रडार पर आ चुके हैं मुख्तार अंसारी? क्या एक दफा फिर मुख्तार अंसारी के घर पर चलेगा योगी का बुलडोजर? चर्चाओं का दौर गर्म है कि मुख्तार अंसारी के घर पर एक बार फिर से योगी का बुलडोजर चल सकता है, क्योंकि योगी आदित्यनाथ की पुलिस जब मुख्तार अंसारी के घर पर उनके परिवारजनों को गिरफ्तार करने पहुंची तो वो भाग चुके थे, यानी कि फरार थे। और अब योगी की पुलिस ने ये अल्टीमेटम दे दिया है कि या तो सरेंडर करो वरना कुर्की की जाएगी। नमस्कार, मैं प्रभात रंजन मिश्रा, आप देख रहे हैं द मनमौजी। मुख्तार अंसारी उत्तर प्रदेश का वो बाहुबली जिसके यहाँ नेता अभिनेता सजदा करने पहुँचा करते थे, आज योगी की पुलिस ने उसके परिवार को भगोरा घोषित कर दिया है और कहा है कि अगर वो सरेंडर नहीं करते हैं तो कुर्की शुरू की जाएगी। पूर्वांचल में खौफ का पर्याय मुख्तार अंसारी खुद उत्तर प्रदेश की जेल में ना आ पाए इसके लिए कई तिक्रम लगा चुका था। पंजाब की तत्कालीन कांग्रेस सरकार उसकी खातिरदारी दामादों की तरह करती थी, लेकिन अब दौर बदल चुका है। आपको याद होगा कि मुख्तार अंसारी के बेटे ने उत्तर प्रदेश चुनाव के समय क्या बात कही थी। वो वीडियो खूब वायरल हुआ था जिसमें उसने कहा था कि हम अखिलेश भैया को बोल दिए हैं कि सरकार बनने के बाद 6 महीने तक ट्रांसफर पोस्टिंग नहीं होगी, पहले हिसाब किताब होगा। एक दफा फिर इस वीडियो को सुन लीजिए। तो समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय अखिलेश यादव जी से कहकर आया हूं कि 6 महीने तक किसी की ट्रांसफर पोस्टिंग नहीं होगी। भैया वो यहाँ है, वो यहाँ ही रहेगा, पहले हिसाब किताब होगा, उसके बाद उनके जाने के सर्टिफिकेट। और जब आपने ये वीडियो सुन लिया है तो आपको योगी आदित्यनाथ का वो भाषण भी याद होगा जिसमें उन्होंने कहा था कि गर्मी निकाल देंगे, जून में उत्तर प्रदेश को शिमला बना देंगे। अब लग रहा है कि योगी की पुलिस ने ठान लिया है कि सभी अपराधियों की गर्मी निकाल दी जाएगी और हाथ डाल दिया है सीधा कुख्यात बाहुबली मुख्तार अंसारी के परिवार पर। मऊ पुलिस ने मुख्तार अंसारी के विधायक बेटे अब्बास अंसारी, उसकी बीवी अफशा अंसारी और उसके साले को भगोड़ा घोषित कर दिया है। मऊ पुलिस ने इन लोगों की तलाश में चार चार जगहों पर छापेमारी की, लेकिन इनमें से किसी का कुछ पता नहीं चला। आखिर में जाकर पुलिस ने अंसारी के फरार हुए परिवार को भगोड़ा घोषित किया। आप तस्वीर में देख सकते हैं कि पुलिस इनकी संपत्ति के बाहर नोटिस चस्पा करती दिख रही है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार मऊ के SP अविनाश पांडे ने अंसारी परिवार को पुलिस के सामने पेश होकर गिरफ्तारी देने की हिदायत दी है। इसके साथ ही चेतावनी दी है कि अगर पेश नहीं होते तो धारा 83 के तहत कुर्की की कार्रवाई की जाएगी। पुलिस क्षेत्राधिकारी धनंजय मिश्रा ने मीडिया को बताया कि मऊ स्थित FSI के गोदाम को मुख्तार अंसारी द्वारा अपराध से अर्जित संपत्ति घोषित करते हुए सरकार ने कब्जे में ले लिया है। इस मामले में मुख्तार की पत्नी अफशा, उसके साले और एक अन्य सहयोगी आरोपित है। सबके खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी है। कुर्की की कार्रवाई भी हो चुकी है, लेकिन अफशा अब तक अदालत में हाजिर नहीं हुई है। वहीं मुख्तार के बेटे अब्बास अंसारी जी, जो कि मऊ सदर से सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी से मौजूदा विधायक है, उस पर इस साल की शुरुआत में हुए प्रदेश विधानसभा चुनाव के प्रचार के दौरान अधिकारियों के प्रति आपत्तिजनक शब्दों के प्रयोग के आरोप में मुकदमा दर्ज किया गया था। इस मामले में स्थानीय MP MLA अदालत उन्हें कई बार समन भेज चुकी है, लेकिन वह पेश नहीं हो रहे। उन्हें गिरफ्तार करने की कोशिश लगातार जारी है। कुल मिलाकर बात इतनी है कि मुख्तार परिवार उत्तर प्रदेश से है फरार। अगर गिरफ्तारी नहीं दी योगी की पुलिस को तो पुलिस कर सकती है प्रहार, क्योंकि जीरो टॉलरेंस की जो अपनी नीति योगी आदित्यनाथ की पहली सरकार ने अपनाई थी अपराध के खिलाफ, उत्तर प्रदेश में जो योगी 2.0 की सरकार आई है वो इसको और कड़े ढंग से लागू करना चाहती है। इसी वजह से मुख्तार अंसारी, जिसके पास खूब सारी राजनीतिक शय है, खूब सारा धन है, खूब सारा पैसा है, उसके परिवार को भागना पड़ रहा है। इस खबर पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। देश और दुनिया की सभी बड़ी खबरों के लिए हमारे साथ बने रहें। धन्यवाद।